मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नववर्ष के पावन उपलक्ष पर लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज किया। हर वर्ष की भांति इस बार भी हजारों की संख्या में मां के चरणों में आस्था नतमस्तक हुई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने नववर्ष के शुभ अवसर पर मां के दर्शन किए और हवन किया। मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नववर्ष के पावन उपलक्ष पर लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज किया। हर वर्ष की भांति इस बार भी हजारों की संख्या में मां के चरणों में आस्था नतमस्तक हुई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने नववर्ष के शुभ अवसर पर मां के दर्शन किए और हवन किया। इससे पूर्व नववर्ष की पूर्व संध्या से ही मंदिर प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन तथा जिला प्रशासन ने अपना अपना जिम्मा संभाल लिया था। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलने वाले नववर्ष मेलों में पूरा नैना देवी नगर एक दुल्हन की तरह सज गया था। ठंडी ठंडी शीतल हवा में नववर्ष मेलों का आगाज हुआ। लगभग 300 सुरक्षा कर्मचारियों तथा 130 गिरी रक्षकों को नैना देवी में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया था। क्षेत्र के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी एवं दुधिया रोशनी से भी माँ के मंदिर को चार चांद लग रहे थे। मंदिर अधिकारी हुसैन चंद ने बताया कि न्यास मंदिर में 50 अस्थायी कर्मचारियों को रखा गया है तथा हर कर्मचारी को यात्रियों की श्रद्धा व भावना का ध्यान रखना एवं हर सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। कोताही बरतने वाले कर्मचारी पर तुरंत कार्यवाही होगी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से नववर्ष के मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी बंदोबस्त किए गए थे सभी कारगर साबित हुए हैं और श्रद्धालुओं में भी माता के दर्शन को लेकर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि रात के समय काफ़ी ठंड रहती है तो उसके लिए जो है प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए थे। हमने स्टेडियम के अंदर टेंट की व्यवस्था की थी और साथ ही बॉनफायर का भी आयोजन किया था ताकि लोग चलते चलते माता के दर्शनों के साथ साथ अपने ठंड से भी बचाव कर सकें। हमारे सभी प्रयास जो हैं काफ़ी कारगर साबित हुए हैं और विषय में भी हमें ऐसे ही अच्छे। मैं इस नए साल की हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माता श्री नैना देवी से कामना करता हूँ कि वो सभी की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करे, सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, यही कामना मैं परम पूज्य परमात्मा से करता हूँ। और एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।